हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में यूएसडी जेपी वाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं। यहां से मुझे एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, बट इससे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन को यहां पे ड्रॉ किया है। इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर यहां से ब्रेकडाउन मार्केट ने किया है, बट दोस्तों मुझे यहां से मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और यहां पे काफ़ी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं अपनी ट्रेड को सेल ना करते हुए मैं बाय डायरेक्शन में प्लेस करने वाला हूं 0.10 लॉट साइज के साथ। दोस्तों ऑर्डर मैंने यहां से प्लेस कर दिया है और अभी देखा जाए यहां पे $1.49 का यहां से अभी हमारा लॉस दिखा रहा है। यहां से गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी यहां पे रिजेक्शंस वाली कैंडल्स यहां पे नज़र आएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्राइस यहां पे हमें मिला है, काफ़ी अच्छे प्राइस पर यहाँ से हमने बाय किया है। यहाँ से जो स्टॉप लॉस की अगर बात करें, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हमारा इस ट्रेड में होने वाला है। यहाँ से देखिए आप जो रिजेक्शन किया है कैंडल ने जस्ट नीचे, जो अब सपोर्ट लेवल है इस पे हम यहाँ से स्टॉप लॉस दे सकते हैं 14,079 का। यहाँ पे इजीली हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है, 14,079 का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा सही रहेगा। दोस्तों इसको हम मॉडिफाई कर देंगे, चलिए यहाँ से हम प्राइस डालेंगे 14,000, इसको जीरो कर देंगे, 79 कर देंगे यहाँ पर 7, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों मॉडिफाई कर देंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं $1.75 का यहाँ से लॉस अभी हमारा दिखा रहा है। तो गाइस यहाँ से अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट अभी कोई नहीं लगाया है, मार्केट को थोड़ा सा मूवमेंट करने देंगे, थोड़ा मार्केट मूवमेंट करेगा इसके बाद हम टारगेट लगाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड को प्लेस करना होता है इसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड प्लस में आ चुके हैं, देख सकते हैं $1 के आसपास यहाँ से अभी हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो जब भी आप ट्रेड को बाय या फिर सेल डायरेक्शन में प्लेस करते हैं उससे पहले आपको रीजन्स ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, लॉजिक ढूंढना होता है कि किस लॉजिक के साथ मैं यहां से बाय कर रहा हूं या फिर सेल कर रहा हूं। जितने ज़्यादा आपके पास रीजन्स होंगे दोस्तों उतने ही ज़्यादा आपके बिन के चांसेस रहेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या यहाँ पर इतने कन्फर्मेशन मिलने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर हम हमारे टारगेट तक पहुँच पाएंगे, क्या क्या कन्फर्मेशन यहाँ पर इस ट्रेड को प्लेस करने से पहले हमने लिया है, इसके बारे में इन डिटेल वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट जरूर मिलिए, लर्निंग के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूं।
फाइनल गाइस यहां से अगर आप देखेंगे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। टारगेट क्या रखा था आप देख सकते हैं, 14,374 का यहां पे टारगेट दिया था और दोस्तों यहां पे टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। अभी 13-14 डॉलर के आसपास प्रॉफिट दिख रहा, तो हमारे ट्रेड को यहां से क्लोज करेंगे। फाइनल गाइस यहां से ऑर्डर को क्लोज कर दिया है। अभी कितना प्रॉफिट यहां से बुक किया है तो अभी हम देख सकते हैं, यहां से 30.82 यानी कि 14 डॉलर के आसपास यहां से अभी हमारा प्रॉफिट हो चुका है इस ट्रेड में। ठीक है, तो यहां पे गाइस काफ़ी ज़्यादा सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड को प्लेस किया था बाय डायरेक्शन में। हो सकता है मार्केट यहां से और भी अप चला जाए, लेकिन दोस्तों हमें यहां से ग्रीडी नहीं बनना है। जो टारगेट दिया था उस टारगेट पे आपको एग्जिट करना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम लॉजिक को समझ लेते हैं, किस लॉजिक के साथ, किस कंफर्मेशन के साथ यहाँ से यूएसडी जेपीवाई को हमने बाय डायरेक्शन में प्लेस किया था। तो सबसे फर्स्ट अगर लॉजिक की यहाँ पे बात करते हैं गाइस, देखिए काफ़ी सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मुझे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा था, जो कि मार्केट ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ये है दोस्तों फर्स्ट रीजन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब समझ लेते हैं रीज़न नंबर टू। रीज़न नंबर टू क्या है, तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे दोस्तों मुझे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल था, इस लेवल पे दोस्तों मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया था। ये था रीज़न नंबर टू, और आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों मार्केट ने जैसे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कितने अच्छे से अपर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों रीज़न नंबर थ्री। रीज़न नंबर थ्री आप देख सकते हैं दोस्तों, सपोर्ट लेवल पर आपको कुछ इस तरीके से चार्ट को जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे यहां पे एक रिजेक्शन वाली कैंडल साफ साफ नजर आएगी। तो यहां पे मुझे एक साफ रिजेक्शन जैसा नजर आ रहा, तो ये था दोस्तों रीजन नंबर थ्री। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे थ्री रीजंस के साथ ट्रेड को प्लेस किया था बाय डायरेक्शन में, और यहां पे दोस्तों बड़े ही आसानी के साथ यहां से प्राइस ने हमारे टारगेट को अचीव कर दिया है। ट्रेंड की अगर बात करें गाइस, आप देख सकते हैं मार्केट के ट्रेंड को ही हमने फॉलो किया है। ये देख सकते हैं आप, मार्केट का ये एक अप ट्रेंड है, कुछ इस तरीके से मार्केट एक हायर हाई एंड हायर लो की तरह यहां पे परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहां से हमने ट्रेड किया। आई होप आप इस ट्रेड से समझ पाए होंगे लाइव मार्केट में किस तरीके से कंफर्मेशन के बाद ट्रेड को प्लेस करना होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।